नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची गुलियानी और आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ उत्तर प्रदेश। फरवरी का महीना चल रहा है और वैलेंटाइन डे भी दूर नहीं है। वैसे तो वैलेंटाइन डे को प्यार का महीना माना जाता है, लेकिन अगर ये प्यार किसी मोड़ पर जाकर हवस की भूख में बदल जाए तो मामला बिगड़ जाता है। 7 फरवरी से प्रेमियों के दिन शुरू हो चुके हैं, जिसमें रोज डे से लेकर टैडी डे हर दिन कुछ ना कुछ मनाया जा रहा है। लेकिन आज जो हम आपको खबर बताने जा रहे हैं उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे, लेकिन ये सच है और आपको भी सावधान रहने की ज़रूरत है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां जिला अस्पताल में चॉकलेट डे के मौके पर एक डॉक्टर पर महिला डॉक्टर को लेबर रूम में चॉकलेट देकर दुष्कर्म करने की कोशिश करने का आरोप लगा है। बता दें कि जब महिला डॉक्टर नाइट ड्यूटी पर थी और रात में राउंड लगा रही थी, इसके बाद जब वो लेबर रूम में गई तो डॉक्टर विवेक मौका पाकर उनके पीछे पीछे लेबर रूम में पहुंच गए और महिला डॉक्टर को चॉकलेट देकर उनके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, जिसके बाद महिला डॉक्टर अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली और शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी। फिलहाल पुलिस डॉक्टर विवेक को ढूंढ रही है, उनकी तलाश चल रही है। घटना के बाद से ही डॉक्टर विवेक फरार है। जिला अस्पताल के प्रबंधन का कहना है कि इस हरकत के लिए डॉक्टर पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है। वहीं जिला अस्पताल की सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर मनीषा अग्रवाल ने मामले को लेकर कहा कि ये घटना मेरे संज्ञान में आई है। महिला डॉक्टर ने शिकायत की है कि रात के समय डॉक्टर विवेक ने चॉकलेट देने के बहाने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को भी दी है और पुलिस और विभाग दोनों अपनी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। घटना के बाद से डॉक्टर विवेक हॉस्पिटल नहीं आए हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि महिला डॉक्टर द्वारा तहरीर दी गई है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी डॉक्टर अभी फरार है। तो देखा आपने कि किस तरह प्यार के बहाने हवस के दरिंदे अपनी भूख मिटाने के लिए किस हद तक गिर जाते हैं।